find the words to start. फाइनली गाइस मौका मिल गया मेरे को, हमारी केटीएम से अब हो गया, बैठ जा। केटीएम का पिन मैं लास्ट में दिखा दूंगा, पहले दिखा दूंगा सर। गौर से देखिए इस इंसान को, कब तक वेट कर रहा हूँ मैं इधर, कम से कम आधा घंटा हो गया, पता है। बैठ, हाँ देखा देखा मैं उसको, पता उसको लगा कि वो देख नहीं रहा है। वो कहाँ से निकाले जा रही असलम भाई, ये पहला वीडियो है हमारे चैनल का, तो यार सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब जरूर करना और पास में बेल आइकन को दबा देना, ताकि कच्छ में है हम, कच्छ में गुजरात, कच्छ मांडवी, और हमारे गांव का नाम है गोधरा। हम गांव से छोड़ दिया मेरा, ये नदी आ रही है, ये नदी में उतर रहे हैं, उतरने वाले हैं, वहाँ से जा रहे हैं, जब जा रहे हैं हमारे गांव के रास्ते।
ऐसे में व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, और हम पहले वीडियो बना रहे हैं भाई, अभी तो बहुत बाकी है वीडियो बनाने का। ऐसे ही रास्ते मिलेंगे हमें कच्चे ही कच्चे। और फाइनली गाइस पहुंच गए हमारे नदी पे, तो गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी उस साइड। देख रहे हैं ऐसे ही क्या करें। सो गाइस हमारे नदी पे पहुंच गए, और ये पीछे, और ये हमारा लौंडा दूसरा शर्मा रहा है बहुत पहले वीडियो में। और कुछ कहना चाहेंगे गोविंद भाई? ये संजू है, संजू। और इस तरफ कैमरा नहीं कर सकता, सॉरी। और ये हमारी नदी, पानी बहुत कम हो गया है। ये अंकल देख रहे थे, अंकल लोग ये क्या है पूछ रहे थे, तो हम जाएंगे डैम पे अभी। और ये बीच में देखो, और मेरा भी चेहरा है। ये हमारे लौंडे तीन, और मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी। तो यार सपोर्ट करना यार मेरे को, ऐसे ही मज़ा नहीं आएगा। बच्चे लोग एंजॉय करते हुए, ये बंदा बोल रहा है टिकटॉक बनाए, टिकटॉक बैन हो गया इसको क्या पता है। गाड़ी तो निकल जाएगी, हम निकालेंगे गाड़ी। देख सकते हैं पूरे की पूरे नदी यहाँ से आती है, और जहाँ जाती है सीधे दरिए में, मतलब समुद्र में। देख सकते हैं आप पीछे आ गए हमरो, हम चलते हैं। और ये हमारी गाड़ी की हालत पतली हो गई, आज ही सर्विस किया था, इधर से पानी निकल रहा है, दिख नहीं रहा होगा आपको बट निकल रहा है पानी। तो चलते हैं, हमारे पास है एच एफ डीलक्स, तो इधर से हम आए और इधर रुके। और ये ताला हमारा गांव का, और गाड़ी की हालत पतली हो गई है, नदी में से निकाली तो जा रहे हैं हम आगे। तो आ जाओ डोंडे लोग, और यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ लो, मैं पढ़ता हूँ। पधारिया वृक्षो मंदिर पानी अने वाणी विचारी ने वापरो, ये शू छे भले जम शू छे जल मंदिर वृक्ष बचावो राष्ट्र बचावो। उस साइड भी कुछ लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। ए आवजो बे वृक्ष वावजो, ए अचीजा वो रोपा पोखीजा। कच्छा जी, ये कच्छी में है, गुजराती में है और कच्छी में है, और हिंदी में तो हम बोलेंगे। और इसका मतलब होता है यहाँ पे आए और दो पेड़ लगा के जाएं। हमारा डैम बहुत बहुत गहरा है, यहाँ से डूबे तो हमारी लाशी बाहर तैर रहेगी, हम नहीं तैर सकते। तो आगे चलते हैं, ये मोबाइल नहीं छोड़ेगा, ये दोनों लौंडे मोबाइल नहीं छोड़ेगा, ये कैसे सुनसान पड़ा है जंगल जैसा। और यहाँ पे बैठने के लिए है कुछ, यहाँ पे भी कुछ बहुत सारा लिखा हुआ है, बट टाइम नहीं है पढ़ने में, वरना पढ़ता। बहुत सुनसान जगह है बे, ओ भाई अंदर मछली है। डैम फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं डैम पे,
बहुत गहरा है। यहाँ से यहाँ पे गिरे तो खेल खत्म समझो। यहाँ पे लाइट चालू है। मछली मछली देखनी है आपको? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। ऐसा कुछ था मैंने सीखा था स्कूल से। पर हमारे पास कुछ खिलाने को नहीं है, दूसरी बार आएंगे तो जरूर कुछ खिलाएंगे। ओ भाई साहब क्या व्यू आ रहा है। ये देखी जा रहा है, देखिए क्या है भाई नीचे, क्या है? मछली जिसको हिंदी नहीं आती। ये लौंडा हमको बिना बताए यहाँ पे चलाया। उसको पता नहीं है यहाँ पे बहुत खतरनाक सीन होने वाला है और मैं इसमें नहाऊंगा। मेरे को तैरना था, आपको तैरना सीखना है क्या? पकड़ मोबाइल पकड़, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, जेब में है कुछ पैसा। बहुत मीठा पानी है, बारिश का ही पानी होता है ये। यहाँ पे आईफोन का मोबाइल होता तो कितना बेस्ट था। पर ये नहीं, क्या करें, हमारा पहला वीडियो है, आगे तक चलेगा तो होगा। क्यों होगा ना भगवान, होगा ना। आ जाओ हमारे पीछे पीछे आ जाओ, हम चलते हैं वापस और क्या सर जाएंगे। अभी नहीं है, कोरोना है ना, तो मैं पहले पहले इसको पूछता था तो अंदर से कुछ मीठा मीठा सा आ रहा था। मेरे को लगता है कि कुछ ये आती है ना वो चीज़ की और मधुमक्खी